नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज बात करेंगे बेटियों की, आज बात फैसले की, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है, उस फैसले की जिसका इंतजार पूरे देश को है। निर्भया कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिल जाएगी, ऐसे में आज चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या 16 दिसंबर 2012 से लेकर अब तक हालात बदले हैं, कितने बदले हैं, और क्या बेटियों को सुरक्षा मिल पाई है। तो बेटियों को सुरक्षा देने के खूब दावे किए गए, लेकिन निर्भया कांड के करीब 6 साल बाद हालात क्या हैं और क्या बढ़ते महिला अपराध पर लगाम लग पाई है, एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। सोलह दिसंबर 2012 की वो काली रात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, आज उस रात हुई हैवानियत पर अहम फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में दोषियों की रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने मामले में चारों दोषियों को पिछले साल 5 मई को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। 16 दिसंबर 2012 की उस रात को करीब 6 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी बेटियां कितनी महफूज हैं ये बताने के लिए ये ताजा मामले ही काफी हैं। फतेहाबाद के सदर थाना में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, आरोपी युवक पीड़िता के गांव का ही रहने वाला। गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना इलाके में भवानी इनक्लेव में रेप, नौकरी का झांसा देकर 2 साल तक रेप। सोनीपत में फेसबुक पर दोस्ती के बाद लड़की का अपहरण, शिमला ले जाकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप। सोहना में विधवा महिला के साथ घर में घुसकर रेप की कोशिश। फरीदाबाद के सराय थाना में बाप बेटी का रिश्ता शर्मसार, 10 साल की बेटी के साथ कई दिनों तक किया बलात्कार। चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े कि कैसे अपने ही बेटियों को हवस का शिकार बना रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक दुष्कर्म का औसत 0.3%, हरियाणा में सामूहिक दुष्कर्म का औसत 1.5%। साल 2017 में हरियाणा में दुष्कर्म के कुल 1189 मामले दर्ज हुए। 1189 मामलों में से 518 मामले ऐसे थे जिसमें पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। 6 साल से कम उम्र की बच्चियों की संख्या जिनके साथ रेप हुआ वो 32 रही। 82% बच्चियों को दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। 549 घटनाएं ऐसी जिसमें पड़ोसी या रिश्तेदार ही रेप में शामिल था। 25 मामले ऐसे थे जिसमें पीड़िता को शिकार बनाने वाले उनके पिता या भाई थे। महिला अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं, ऐसे में आज भी कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं कि आखिर कब मिलेगी बेटियों को सुरक्षा, कैसे बदलेगी समाज की सोच, और 16 दिसंबर की उस मनहूस रात की सुबह आखिर कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपको भी याद होगा एक जलजला, एक सैलाब उमड़ पड़ा था सड़कों पर। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर यह हो क्या गया, और उसके बाद पूरा देश मानो जाग गया, पूरा सिस्टम जैसे झकझोर दिया हो इस घटना ने। लेकिन लगभग 6 साल बाद क्या हुआ, सिस्टम में कितने बदलाव आए, और बेटियों के सुरक्षा में मुस्तैदी कितनी आई प्रशासन की, आज चर्चा यही करने वाले हैं। और नजर इस बात पर भी बनाए रखेंगे कि फैसला आखिर सुप्रीम कोर्ट का आता क्या है। पूनम भटनागर जी हैं समाज सेवी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। पूनम जी, शुक्रिया आपने वक्त दिया। 16 दिसंबर 2012 से अब तक क्या बदलाव, क्या सकारात्मक बदलाव, क्या नकारात्मक बदलाव, क्या जो बदल जाना चाहिए था वो नहीं बदला?
देखिए, बदलाव तो कोई खास मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि मामले उसके बाद ज़्यादा ही हुए हैं और हम लोग रोज़ ही सुन लेते हैं कि आज यहाँ रेप और यहाँ आज यहाँ रेप। कहीं ना कहीं जो खौफ होना चाहिए था पहली दरिंदगी के बाद, जो लोगों में खौफ आना चाहिए था, जो एक सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको, दरिंदों को, वो अभी तक नहीं मिली। 6 साल होने वाले हैं, तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो रेप के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। जहां तक आप बदलाव की बात कहेंगे, सरकारें जरूर इस सोच में आ गई कि लड़कियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलनी चाहिए। थाने, महिला थाने खोले गए, कहीं ना कहीं ये संवेदनशीलता भी सरकारों में बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा जो हम एक देना चाहते थे महिलाओं को, वो नहीं मिल पाई फाइलों है पे बढ़ी है, आज है। सिर्फ फाइलों पे बढ़ी सिर्फ है। फाइलों में बढ़ी है। और जैसे कि महिला थाने खुले, और वो पर्पस यही था कि किसी ना किसी तरह के महिलाओं को सुरक्षा मिले या महिलाओं के लिए तुरंत कार्रवाई हो, वो भी शायद अभी तक सिरे नहीं उतर पाया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सरकारें सोच ही सोच रही हैं, लेकिन जो बदलाव आना चाहिए था वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। रोज जो है आपको केसेस सुनाई दे जाते हैं। और मुझे याद है कि जब ये निर्भया का केस हुआ था, मेरे ख्याल से एक ये इतना बड़ा जलजला आया था पूरे हिंदुस्तान में, और उसी के बाद से कहीं ना कहीं रेप वर्ड बहुत ज्यादा सुर्खियों में आने लगा। उससे पहले इतना रेप वर्ड ज्यादा सुनाई नहीं देता था, सुनाई भी देता था तो एका दुक्का सुनाई देता, उसके बाद तो कहते हैं ना लाइन सी लग गई। तो कहीं ना कहीं डर नहीं बैठा, और डर नहीं बैठा इसी वजह से आज भी इसी तरह की हरकतें होती चली जा रही हैं। आप भी परेशान है, हम भी परेशान है, और समाज भी परेशान है कि लड़कियों को बचाए कैसे। नहीं, समाज परेशान है, ठीक है, हम सरकारों की जवाबदेही जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, उसमें होनी चाहिए बात, लेकिन हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज में क्या आज भी जरूरत यह है कि घर में इस बात पे चर्चा हो, स्कूलों में, कॉलेजेस में इस बात पे चर्चा हो, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो टीचर्स हैं वो इस बात पे चर्चा करें कि आखिर कैसे हम अपनी संस्कृति, जिसमें हम बेटियों को इतनी रिस्पेक्ट देते थे, महिलाओं को इतनी इज्जत देते थे, वो क्यों हम छोड़ रहे हैं, और कैसे ये बुराइयां, रेप, दुष्कर्म, ये गैंगरेप, ये कैसे आ रहे हैं हमारे समाज में, और क्यों नहीं रोक पा रहे हैं हम इसको? देखिए गौरव, आप स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन एक टाइम में शुरुआत की गई थी, परंतु वो चैप्टर क्लोज कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे उसको अदरवाइज लेने लगे थे। और दूसरी बात है, अगर आप स्कूलों में कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स उस समय आके खड़े हो जाते हैं, बैरियर बन जाते हैं कि आपने हमारे बच्चों के साथ ऐसा डिस्कशन क्यों किया। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर्स का तालमेल या स्कूल का और पेरेंट्स का तालमेल नहीं बन पाता, इस वजह से इस तरह की शिक्षा जो स्कूलों में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। दूसरी बात, मीडिया बहुत अच्छा काम करता है, रोज कोई ना कोई ऐसे गंभीर मामलों को उठाता है, और कहीं ना कहीं आप ही के माध्यम से बहुत सारी बातें लोगों तक पहुंचती हैं कि किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है या क्या हो सकता है। लेकिन जो सबसे भयंकर स्थिति है वो है फिल्म इंडस्ट्री की। आप कह दीजिए आज की तारीख में जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं, इतने ओपन माइंडेड सीरियल्स हैं, जो बातें हमें कभी बहुत ज्यादा देर में पता चलती थी आज 5वीं क्लास के, 4थी क्लास के बच्चों को पता है। फिल्मों में भी जाके देखेंगे तो आज कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो आप माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो इस चीज पे रोक लगनी चाहिए। बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की फिल्में, किस तरह के सीरियल्स परोसे, जिससे कि जो ये परिवर्तन बच्चों के अंदर आ रहा है वो ना आए। एक टाइम होता है हर चीज का, लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि टाइम से पहले सारी चीजें बच्चों को मिल रही हैं। तो इस वजह से समाज में जो एक गंदगी है उसका विस्तार ज्यादा हो रहा है, बजाय इसके कि अच्छी बातों का विस्तार हो। ठीक है, क्या आप ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा फर्क है कि हमने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, हमने वेस्टर्न खुद को उस लाइफस्टाइल में ढाल लिया, लेकिन हमारी सोच, जो हमारी संस्कृति की सोच थी वो, और जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट का स्तर होना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचा, और उन दोनों के गैप की वजह से आप छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए लोग अक्सर ब्लेम कर देते हैं कि छोटे कपड़े पहने इसलिए रेप हो गया, और उसके बाद हम एक तरफ साड़ी में जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, छोटी 3 साल की बच्चियां हैं, उनका भी रेप हमने सुना है और देखा है। तो क्या ये बहुत फासला है, बहुत फर्क है? देखिए, जब हम दो तरीके से गेम खेलते हैं। जब हम अपने घर की लड़कियों को देखते हैं तो हम उसको प्रोटेक्शन में देखते हैं, हम चाहते हैं वो सूट पहन के निकले, वो अच्छे तरीके से निकले, कोई उस पर नजर ना डाले, और कहीं ना कहीं हमारी जब बाहर हम निकलते हैं तो हमारी सोच ऑल टुगेदर बदल जाती है। अगर लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के निकलती हैं जो कि छोटे होते हैं या उनकी आंखों को अच्छे लगते हैं, या कह सकते हो आप थोड़े से वेस्टर्न कल्चर में वो लड़कियां होती हैं, तो वही लड़के जो अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हीं का नजरिया बाहर जाके बदल जाता है। तो हम डबल
ग्लोबल स्टैंडर्ड जिंदगी को जीते हैं, हम वेस्टर्न में भी जाना चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति में भी रहना चाहते हैं, इसी वजह से कि हम दोनों चीजों से दूर होते जा रहे हैं, एक को पास ला रहे हैं दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को दूर कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसी के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, घर से हम निकलते हैं सूट पहन के और बाहर जाके हम बदल जाते हैं और तरीके से, तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम आजकल की तारीख में जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी हो रहा है। आज लड़कियां कपड़े पहन के निकलती है, मैं नहीं कहती कि जो सूट पहन के निकलती है उनके साथ रेप नहीं होता या छोटे पहन के निकलती है उनके साथ रेप नहीं होता, एक नजरिया हमारा जो देखने का है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है जब हम बाहर लड़कियों को देखते हैं, हम वो नजरिया भूल जाते हैं जो हम अपनी बहन के लिए देखते हैं, तो ये नजरिया जो बदल जाता है वो कहीं ना कहीं इस तह तक पहुंचा देता है कि हम उसको गलत नजर से देखने लगते हैं और इसी वजह से वो रेप के केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, किसकी किसकी जिम्मेदारी, किसकी किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये बदलाव, ठीक है आप अगर एक बार को ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, कोई अगर पिता अपनी बेटी का रेप करने लग जाए तो आप उसको उसी समय रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो घर के अंदर है, लेकिन इन आंकड़ों को कम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम स्टेप्स हमारी सरकारें हमारे समाज में क्या क्या होना चाहिए बदलाव? देखिए परिवार में तो ये होता है कि अगर पति कर रहा है या पिता ही कर रहा है बेटी के साथ तो वो तो एक बहुत दयनीय स्थिति है कि आज हमारी मानसिकता कितनी गंदी हो गई कि हम अपनी लड़की के रेप कर रहे हैं, तो वो तो मानसिकता घर से ही सुधर सकती है, उसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना ही कोई समाज कुछ कर सकता है, ना ही कोई मीडिया कर्मी कर सकते हैं, ना पुलिस वाले कर सकते हैं। हाँ रही बात, आप जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी है या आपका फ्रेंड है वहाँ आपको दायरा बना के चलना पड़ेगा। आज आप फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, आप उससे मिलने चले जाते हैं, आपके माँ बाप को नहीं पता आप किससे मिल रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ नाइट स्पेंड कर रहे हो, कि झूठ बोल के निकलते हो, तो ये चीज़ें बच्चों को खुद ही कंट्रोल करनी पड़ेगी क्योंकि माँ बाप भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज बच्चा माँ बाप बच्चों पर रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, अगर आप उस भरोसे को तोड़कर आप पढ़ाई की जगह कुछ और करेंगे तो उसमें गलती सीधी सीधी आपकी, उसमें माँ बाप की मतलब खतरे में हम खुद खतरे में हम अपने आप को खुद को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं सोच समझकर ही आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी खुद की समस्या है, कुछ भी होगा आपके साथ होगा, कैरियर खराब होगा आपका होगा, कुछ भी आप खराब होगा आप ही का खराब होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को खुद ही सोचना है कि हमें किस कदम तक हमें लाइन को क्रॉस कब करना और कब नहीं करना है, तो ये लाइन उनको खुद ही खींचनी पड़ेगी, इसमें कोई भी इसमें आगे नहीं आ सकता, ना कोई कुछ कर सकता। ठीक है, प्रीति भारद्वाज जी हैं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष, हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पे हैं। प्रीति जी आज बहुत अहम दिन है, आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई है निर्भया केस में जो दोषी है उनकी, तो आज चर्चा ये करना बेहद जरूरी है कि 16 दिसंबर 2012 की उस रात के बाद आज तक अब तक कितना बदलाव आया, आपको क्या लगता है बेटियां सुरक्षित हो गई? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा पूनम जी एक चीज, अगर हम थोड़े पुराने वक्त, बहुत पुराना भी नहीं जाए, हम थोड़े एक दशक पुरानी बात ये करें तो हमने ये देखा है कि रामलीला होती थी और उसमें रात देर रात तक वो चलता था और उसमें पूरे गांव की महिलाएं भी जाती थी, लड़कियां भी जाती थी, लड़के भी जाते थे, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन आज वही शाम होते ही घर से बाहर निकलने में वो खौफ क्यों है? देखिए वही ये जो आंकड़ा आपके सामने बोलता है वो यही वजह है क्योंकि माँ बाप अब चिंतित हो गए। अगर रात को लड़की देर से आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियां काम नहीं करती, आधी रात को भी आती हैं, कैब में भी आती हैं, वो एक चांस की बात है कि किस लड़की के साथ कैसा व्यवहार हो जाए, लेकिन फिर भी एक सोच जरूर माँ बाप में ये आ गई है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम साथ जाएं, अगर हम रामलीला देखने जा रहे हैं तो हमारा साथ होना जरूरी है, फिल्म देखने जा रहे हैं तो हम साथ चलें, तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन जो होती है वो माँ बाप देने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे नहीं सुनते, ये विडंबना माँ बाप के लिए भी है क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, वो जो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, आज अगर उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ या ग्रुप के साथ फिल्म देखने जाना है तो वो जाएंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतना एडमेंसी आ गई है। लेकिन कोई बुराई नहीं है उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्या बाकी जो फैक्टर्स हैं कि खौफ नहीं है, डर नहीं है, और वो जो हमने जो बेटियों के लिए रूल सेट कर दिए कि भाई आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको घर से बाहर नहीं जाना, आप अकेले नहीं जाना, ये लड़कों के लिए रूल सेट नहीं कर पाया हमारा समाज, क्या इसकी वजह से भी है? एक छोटे सा ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि 16 दिसंबर 2012 की उस रात के बाद से आज तक क्या बदलाव आए, क्या बदलाव आने चाहिए थे। पूनम जी, क्या ये इस वजह से भी है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हालांकि जुडिशियल सिस्टम को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि जुडिशियल सिस्टम में थोड़े और बदलाव की जरूरत है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, और अगर सजा देर से मिलती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ये कहते हैं, तो उसको बहुत त्वरित करने की जरूरत है। हमारे सिस्टम में क्या लूप होल्स हैं? देखिए, बिल्कुल लूप होल्स हैं। और मेरा देखिए, अब आप निर्भया कांड को देख लीजिए, 6 साल होने वाले हैं। अभी तक तो वो लड़की बिचारी चली गई, वो माँ बाप घूमते रहे और आज भी वो तड़प ही रहे होंगे, और वो अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो देरी है, ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम को खराब करती है, कहीं ना कहीं इनको हवा देती है क्रिमिनल्स को। मेरा मानना ये है, और मैं बहुत खुले आम मंच पे भी बोलती हूँ, कि अगर किसी भी क्रिमिनल ने ये एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने ये किया है, पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो तुरंत 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो जानी चाहिए, एक्शन हो जाना चाहिए। अगर ये निर्भया कांड में सजा इनको तुरंत मिल जाती, तो ये जो आज हम समस्या देख रहे हैं रेप की, कहीं ना कहीं बहुत हद तक उस पर कंट्रोल हो जाता, और कहीं ना कहीं उस पर लोगों को खौफ होता। लेकिन आज भी, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती जा रही है और कुछ नहीं पता, इनको छोड़ भी दिया जा सकता है, लेकिन वैसे मैं जानती हूँ कि इसमें इनको न्याय नहीं मिलने वाला है। फांसी की जो सजा है वो बरकरार रहेगी, लेकिन फिर भी अगर ये छूट जाते हैं, फांसी से बच जाते हैं, तो आप ये सोचिए क्या मैसेज जाएगा। ठीक है, रंजीता मेहता कांग्रेस से है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। रंजीता जी, 16 दिसंबर 2012 की उस रात के बाद से अब तक क्या बदलाव आए लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिहाज से? आवाज स्पष्ट नहीं हम सुन पा रहे हैं रंजीता जी, हमारी टीम दोबारा कोशिश करेगी आपको जोड़ने की। पूनम जी, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम फास्ट ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, लगता है दोबारा जुड़ गए। रंजीता जी, आवाज मिल रही है आपको? रंजीता जी, चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या जल्दी अगर न्याय मिलने लग जाए, ऐसे केसेस में फैसला जल्दी आने लग जाए, सालों साल लंबित न रहे, तो क्या खौफ बढ़ेगा? बिल्कुल खौफ बढ़ेगा, क्योंकि मैंने वही अभी आपसे पहले ही बोला कि 6-6, 7-7 साल अगर लग जाएंगे किसी को, किसी भी केस के निपटारे में, तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें लूप होल्स होते हैं। कभी वकील कुछ करता है, कभी जज को आप अप्रोच कर सकते हो, या वॉट एवर मेथड अपना सकते हो, पॉलिटिकल आप अपनी पावर यूज कर सकते हो, तो वो लूप होल्स को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक का मतलब फास्ट ट्रैक होना चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर अंदर निपटारा, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कोई भी केस आपने आज तक नहीं सुना होगा कि 3 महीने के अंदर अंदर निपटारा हो गया होगा। अभी मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार की तरफ से भी यही आया था कि जो बच्ची का रेप हुआ था निर्भया की तरह, उसमें 3 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन अभी तक 1 महीना 1.5 महीना होने वाला है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को हमें शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे, तो इस तरह के ये मुकदमे चलते रहेंगे और ये सब चीजें चलती रहेंगी। और एक कड़ी जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल, दूसरा प्रशासनिक स्तर पर हमने कई ऐसे, हम यहीं बैठकर हमने कई ऐसे मामले डिस्कस किए जिसमें खाकी की संवेदनहीनता नजर आई, महिला थानों में संवेदनहीनता नजर आई, तो क्या वो भी एक बहुत बड़ा कारण है? नहीं, वो तो कारण है ही। देखिए, पुलिस वालों का तो अहम रोल होता है इसमें, अगर वही एविडेंस लेट सबमिट कराएंगे तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाएगा। तो पुलिस को तो देखिए ऐसे केसेस में संवेदनशील होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये केसेस, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आज किसी गैर के साथ हुआ, हो सकता है कल अपनों के साथ हो जाए, तो पुलिस को ये सोचना तो पड़ेगा। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, 2012 के 16 दिसंबर वाली उस रात से आज तक कितना कुछ बदला? आज ये चर्चा है इसलिए क्योंकि आज रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो रही है और फैसला आना है, कितना बदला? देखिए, ऐसा है कि हम ये तो मान सकते हैं कि जिस तरह से सरकारों ने, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार है, चाहे वो हमारे हरियाणा की सरकार है,
और उन्होंने जिस तरह का ये कानून लेकर आए हैं कि 12 साल से कम के बच्चे के साथ अगर कुछ होता है तो उसको तुरंत जो है फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जागरूकता तो इसमें काफी आई है, लेकिन जो मानसिकता है वो उसमें बदलाव जो है वो शायद धीरे धीरे ही होगा, उसमें उतना बदलाव नजर नहीं आता है, क्योंकि आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि बाद एक पूरे देश में बच्चियों के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, ये जो उनके साथ जो है घटनाएं हुई, तो वो बड़ी झकझोर देने वाली थी, और उसी से ही मुझे लगता है कि ये सब हरकतें होने की वजह से ही दोनों सरकारों को, मध्य प्रदेश को भी और हरियाणा को भी, ये इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि अगर इस तरह से कुछ होता है 12 साल से कम की उम्र के बच्चों के साथ, तो उनको। सुनीता जी, एक एक करके अगर हम बात करें कि क्या क्या चेंज करने से, क्योंकि आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चर्चा में ब्लेम गेम ना करके आज हम इस चर्चा में ये कोशिश करें कि आखिर क्या क्या समाधान हो सकते हैं, समाधान के पर हम चर्चा करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि ज्यूडिशियरी में थोड़ी सी स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और वो जेन्युइन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, ऐसे केसेस में जो फैसला आता है वो जल्दी से जल्दी आ जाए तो खौफ बढ़ेगा, क्या ये तरीका हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है तरीका, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रोहतक में एक जो कांड हुआ था नेपाली लड़की के साथ, तो उसमें 7 के करीब जो है मुजरिम थे जी, और जो वहाँ की जज थी, महिला जज थी, मुझे आज भी ध्यान है, तो उन्होंने बहुत जल्द जो है वो विदिन 3-4 मंथ से उसका डिसीजन दे दिया था, और सबके सबको फांसी की सजा का उन्होंने जो है वो सजा सुनाई थी। तो और अभी कल ही हम कहीं पर डिस्कस कर रहे थे, एक नॉलेज पे आया था मामला जिसके अंदर 39 डेज के अंदर अंदर जो है वो एक क्रिमिनल को, इसी तरह के मुजरिम को फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो मुझे लगता है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इस तरह से थोड़ा सा इनका डिसीजन फास्ट होगा और इसके जो भी मुजरिम है उनकी सजा को हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर हम अच्छी तरह से जो है मीडिया में पूरी तरह से उसको हम वो देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे कि और सबको मीडिया में दिखाया जाएगा कि देखो तो ये देखो इनकी इन हरकतों का ये नतीजा निकला और उनको ये सजा हो दी है, तो उससे काफी असर होगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि फाइलों पर, और सरकार, चलो सरकार ने महिला थाने बना दिए, सरकार ने ये कह दिया कि हमारी पुलिस संवेदनशील है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि महिला थानों में वो संवेदनशीलता बरकरार रहे, ये भी एक बहुत जरूरी काम बचता है कि पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। कोई लड़की किडनैप हो रही है और वो फोन करे तो घंटों तक पुलिस इधर उधर घूमती ना चले, उसको ढूंढ ले, ये भी जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी है। देखिए अभी पिछले दिनों ही एक जो है जिले में ऐसा ही मामला सामने आया था कि उसमें जो बच्ची जो है जैसे ही पता लगा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने गांव वालों की मदद से, वो 4-5-6 साल की बच्ची थी, गांव वालों की मदद से जो है वो बच्ची कहीं घूमते घूमते सुनसान में जाके सोई पड़ी थी वहां पर, लेकिन ये अच्छा हुआ कि क्राइम से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने गांव वालों के, पूरे गांव वालों के, वैसे सारा गांव उसके साथ, पुलिस के साथ लग गया और उस बच्ची को ढूंढ लिया गया। नहीं तो कुछ भी हादसा उस बच्ची के साथ हो सकता था, कोई जानवर भी उस पर अटैक कर सकता था जी। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से थोड़ा सा जागरूक होने की और पुलिस अगर थोड़ा सा मुस्तैदी से काम करे तो कई बार बहुत से हादसे होने। चलिए उम्मीद करेंगे सुनीता जी कि आपकी सरकार जो कह रही है वो पुलिस तक पहुंच जाए और पुलिस उसको उसी तरीके से ले ताकि बेटियां थोड़ा और महफूज महसूस कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी सवाल पूनम जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि क्या बेटियों को भी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? ये जो शादी का झांसा देकर रेप 2 साल तक कोई करता रहा, नौकरी का झांसा देकर 2 साल तक रेप करता रहा, इस तरह के मामले आते हैं, इसमें बेटियों का भी उतना ही कसूर होता है लड़कियों का? बिल्कुल होता है। देखिए आप दोस्ती करते हैं, दोस्ती की एक सीमा होनी चाहिए, और दूसरी बात कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, अगर आप किसी दूसरे को बढ़ावा देंगे तो ऑब्वियसली वो उसका फायदा उठाएगा। तो लड़कियों को बहुत जरूरत है और आज की बच्चियां बहुत अवेयर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से बातों में आ जाती है ये सोचने का विषय है और उनको नहीं आना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी सुनीता जी कह रही थी, मैं इसमें थोड़ा सी ऐड करना चाहती हूँ
एक तो मैं ये चाहती हूँ कि अपील का मौका इनको नहीं मिलना चाहिए जो क्राइम करते हैं, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमने किया, उनको अपील का मौका नहीं मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रावधान बनना चाहिए। दूसरा, कोई भी वकील इनकी पैरवी ना करे अगर हम लोग ये चीजों को अपनाएंगे। तीसरा, जब मीडिया में इनको दिखाते हैं, इनके चेहरे दिखाइए आप, क्यों इनको ढक्के ले जाते हैं, पता तो चलना चाहिए पब्लिक में ये कौन है और ये क्या दरिंदगी कर रहे हैं। ये तीनों चीजों का एड होना भी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लेकिन आज 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात के जो कसूरवार हैं उनकी रिव्यू पिटीशन पर, फांसी के रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो रही है और फैसला आज आने की उम्मीद है। लेकिन आप भी अपने आसपास अपने अपनों से ये कहिएगा कि वो भी सतर्क रहें, और उम्मीद सरकारों से भी, प्रशासन से भी हम यही करेंगे कि वो जो कहते हैं वो हो, और अगर वो होने लग जाए, पुलिस प्रशासन संवेदनशील हो जाए, तो शायद इसमें कमी हम जरूर देख पाएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।